जाएगा तो उल्टे फंस जाएगा, ऐसे डरा रहा है परिवार कौन डरा रहा है, सबको डरा रहा है। अच्छा, जिसका गाड़ी वो भी डरा। यहाँ पे हो रहा है कि हमारे बिहार से कोई भी आज लग रहा है कि हमारा जो सरकार कह रहा है कि हमारा बहुत अच्छा सरकार चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, हमारा डिमका है टिमका है, ये कुछ नहीं है साहब, ये कुछ नहीं, सब डकुशाला है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, मैं साजिद हुसैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं चाकुलिया टाइम्स। इस समय मौजूद हैं किशनगंज विधानसभा के खगड़ा खिरदा गांव में, जो वार्ड संख्या 20 है। पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीते कल सुबह जो मनोरा डांगी 31 नंबर नेशनल हाईवे पर सड़क दुर्घटना में खिरदा निवासी मोहम्मद शमसुल हक की जो है मौत हो गई थी, जिससे इलाके में पूरा जो है शोक की लहर दौड़ पड़ी थी। आज हम उनके घर पे मौजूद हैं। कल की घटना के बाद रात में उनको दफन किया गया। पोस्टमार्टम के बाद उनकी डेड बॉडी को घर पर लाया गया, उसके बाद उनको कब्रिस्तान तक जो कार्य होता है वो उसका संपन्न किया गया। लेकिन उसके बाद आज 24-25 घंटा गुजर जाने के बाद अभी तक कोई जनप्रतिनिधि न प्रशासन इन परिवार के सामने आकर के खड़ा हुआ है। अब मैं आपको जो दिखाऊँगा, ये उनका एक लड़का है और एक ये लड़का है छोटा, ये 3-4 महीने का होगा, ये भी लड़का है, ये लड़का 2-2.5 साल का, और एक ये लड़की है जो 5-6 साल की है। अब इनका भविष्य आगे कैसे चलेगा, ये इनकी परवरिश, इनका पालन पोषण कैसे होगा, ये चिंता सिर्फ इस परिवार को नहीं बल्कि पूरे गांव के लोगों को सता रही है। क्या अब इन बच्चों का भविष्य किस तरफ जाएगा, क्या होगा, क्योंकि जो होना था, जो अल्लाह को, ईश्वर को, भगवान को मंजूर था, वो हो गया। एक दुर्घटना घटी जिसमें शमसुल हक ने अपनी जान खो दी। लेकिन अब यहाँ से जो सरकार एक मुआवजे की पहल करती है, मुआवजा देती है, उस तरह उस प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाए। उसके लिए मैं कहूँगा कि जनप्रतिनिधि जो इस इलाके के हैं, जो यहाँ के लोगों का वोट लेकर यहाँ के प्रतिनिधि बने हैं, उनका भी एक कर्तव्य बनता है कि इस परिवार के पास खड़ा होकर इनको जो समस्याएं हो रही है, जो दिक्कतें हो रही है, जो परेशानी हो रही है, उन पर ध्यान देते हुए इनके लिए मुआवजे का इंतजाम करें। लेकिन अभी तक दुखद ये कि अभी 24-25 घंटे गुजरने के बाद भी कोई जनप्रतिनिधि यहाँ तक नहीं पहुँचा है। और ये एक ऐसा परिवार है जो दिन कमा कर दिन खाने वाला परिवार है। शमसुल हक ही कमा कर इस परिवार को चलाते थे, इस परिवार के लोगों का पेट भरते थे। आज उनके जाने के बाद ये परिवार पूरी तरह से टूट चुका है कि आगे अब यहाँ से एक अपना गुजारा कैसे करेंगे। मैं यहाँ पर मौजूद कुछ गांव के लोगों से बात कर लूँगा। मोहम्मद खालिद इसी गांव से हैं? हाँ जी। अच्छा, शमसुल हक की आर्थिक स्थिति को बताइए, वो कैसा था? बहुत बुरा हाल था। क्या करते थे वो? काम करता था, मजदूरी रोज कमाना, डेली। अब जिस तरह से जो घटना घटी, अल्लाह को जो मंजूर था वो हो गया, लेकिन अब जो यहाँ से जो बता रहे हैं कि एक ये लड़का है, एक छोटा 2-3 महीने का है, और ये एक लड़की है, अब इनके भविष्य के लिए आप लोग गांव वालों ने क्या सोचा? गांव वाले क्या सोचेंगे, जो मदद होगा गांव का वो करना ही होगा। पड़ोसी के हिसाब से जो मदद करनी है वो आप लोग करेंगे, लेकिन इस परिवार के लिए, इस मुसीबत की घड़ी में आप क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से, यहाँ के जनप्रतिनिधि से, प्रशासन से? सरकार क्या करेगा, सरकार तो अभी तक नहीं आके पहुँचा है। कोई नहीं। 24-25 घंटा हो गया, कुछ नहीं। मोहम्मद नाजिम इसी गांव से हैं? इसी गांव से। क्या बोलेंगे, कल की जो घटना हुई उसके बाद अभी बताया जा रहा है कि 24-25 घंटे गुजर गए, लेकिन अभी तक कोई जनप्रतिनिधि, ना प्रशासन के कोई लोग, ना कोई अधिकारी, ना विधायक, ना सांसद, ना कोई, ना उनके प्रतिनिधि कोई आया यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं आया, ना MLA आया है, ना MP साहब आया है, कोई नहीं आया है यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खबर उन तक पहुंची कि नहीं पहुंची? नहीं पहुंची, खबर भी नहीं पहुंचा है, शायद पहुंचा भी तो वो लोग आया नहीं है। खबर तो सबको मिल चुका है सर, कल फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से वो सभी को मिले, क्योंकि कल हम लोग 18,000 फॉलोवर देखे हम लोग मोबाइल पे, 28 लाख फॉलोवर हो चुका था शाम को 10 बजे रात तक, तो अब तक वो लोग क्या नहीं देखे हैं, सब कोई देखे हैं। लेकिन इस परिवार के लिए आज के डेट में हर कोई प्रतिनिधि से लेकर के जन प्रतिनिधि तक आंखें बंद कर लिए हैं। कल को अगर उसका इलेक्शन का टाइम होता तो वो हर कोई दवा अपना पेश करने के लिए आता है, हमारा भाई है, हमारा गांव है, हमारा क्षेत्र है, हमारा अपना है, हमारा रिलेटिव का है, ये सब बात कर करके यहाँ से अपना अपना ताकत आजमाते हैं। और हम लोग अपना ताकत उन लोगों को दे करके अपना ताकत देते हैं, और उन लोगों को अपना
प्रतिनिधि बनाते हैं। यही समस्या, चाहे आप बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या पूरे हिंदुस्तान की बात करें, यही जो एक शिकायत लोगों की रहती है कि जब आपदा की घड़ी पड़ती है, जब कोई लोग समस्या में पड़ते हैं, मुसीबत में पड़ते हैं, उस समय कोई भी प्रतिनिधि सामने आके खड़ा नहीं होता है, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम होता है तब घर में आके डेरा डाल देते हैं कि कोई दूसरी पार्टी का आके इनका वोट ना लेके चला जाए। उस वक्त सब उनके अपने होते हैं, सब भाई होते हैं, सब पड़ोसी होते हैं, लेकिन जब उनका काम निकल जाता है तो कोई मरे चाहे रहे उनकी खबर लेने वाला कोई नहीं। अब बताइए कि कल सुबह की घटना पूरे सोशल मीडिया में, इस घटना, ये घटना पूरी तरह से वायरल है। मैंने भी अपने पेज पर कल इस वीडियो को अपलोड किया था, जो 1.25 लाख से ज़्यादा उसमें व्यूज़ है, बिहार बंगाल दोनों जगह फॉलोअर्स है। तो ये खबर हालांकि सब तक पहुंची होगी, लेकिन अभी तक कोई यहाँ नहीं आए। जो भाई बता रहे थे कि वोट बटोरने के लिए सब आते हैं, लेकिन जब मुसीबत की घड़ी आती है उस समय कोई झांक के भी देखने वाला नहीं होता है। अब इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? सरकार से सबकी ये उम्मीद होती है कि जब मुसीबत की घड़ी आए, जब कोई मुसीबत पर पड़े तो उस समय कुछ राहत दे, राहत दे करके समस्या में पड़े परिवार के साथ खड़े होकर के उनकी कुछ हद तक राहत करे। उससे ज़्यादा क्या, कमा के सबको खाना है, अपना गुजारा सबको करना है, लेकिन समस्या के समय में अगर कोई प्रतिनिधि या प्रशासन आके खड़ा होता है तो बस कुछ राहत मिलती है। अब देखिए, एक ये बच्चा है, ये 2 से 3 महीने का बच्चा है, एक ये है जो 2.5 साल का है, और ये एक लड़की है जो 5 से 6 साल की है। 3 मासूम बच्चे के सिर से बाप का साया छिन गया है, लेकिन अभी तक कोई मदद पहुंची है ना कोई देखने आए। मेरा आज कोई नहीं आया अभी तक। हाँ, 50 ग्राम मूढ़ी लेके कोई नहीं आया अभी तक। बताइए, ये एक गरीब परिवार है। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि यदि आप में से कोई इस परिवार की मदद करना चाहते हैं, जो व्यूवर्स हैं, जो देख रहे हैं, अगर आप लोग इस परिवार की कुछ मदद करना चाहते हैं तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये खगड़ा खिरदा 20 नंबर वार्ड है, जो किशनगंज विधानसभा में पड़ता है, किशनगंज थाना में भी पड़ता है। घटना है बंगाल का, और अगर बिहार का पुलिस को अगर पता चल जाएगा तो उल्टे फंस जाएगा। ऐसे डरा रहा है परिवार, सब कोई डरा रहा है। अच्छा, जिसका बंगाल वो भी डरा रहा है। नहीं तो बंगाल में जो एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ की प्रशासन ने तो सब कुछ किया, पोस्टमार्टम किया है, लेकिन बिहार का हम लोग सोचे तो हमारे हक में बहुत अच्छा काम किया, जो उसने हमारा इतना फास्ट काम करके दिया, जो हमारा टाइम टू टाइम जो भी लगा उसी हिसाब से वो पोस्टमार्टम भी हुआ, हमारा हॉस्पिटल रिपोर्ट भी बना, थाना रिपोर्ट भी बना, और जो है क्या नाम बोलता है कि पोस्टमार्टम भी स्पोर्ट में बहुत ही जल्द में करके हमको बहुत ही फास्ट करके दिए हैं बंगाल से, जिस जहाँ से हम लोग उम्मीद नहीं रखते थे, जो उम्मीद नहीं रखते थे। ये देखिए, ये इलाका जो है भाई, सुनिए, ये हम रहे हम लोग, ये इलाका जो है ये बिहार बंगाल सीमा वाला इलाका है। बंगाल के लोग इस इलाके में आके काम करते हैं और इस इलाके के लोग बंगाल में जाके काम करते हैं, तो अब वहाँ घटना घटी है तो फंसने वाली कहाँ से? ये तो फंसने वाली कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ तो समझिए बंगाल और बिहार सभी मिलके चलते हैं, हम लोग एक साथ हैं, हम लोग इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बंगाल एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे, सैकड़ों लोगों ने देखा। दिक्कत यहाँ पे हो रहा है कि हमारे बिहार से कोई भी आज लग रहा है कि हमारा जो सरकार कह रहा है कि हमारा बहुत अच्छा सरकार चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, हमारा डिमका है टिमका है, ये कुछ नहीं है साहब, ये कुछ नहीं है, सब डकुशाला है ये सब जो बोल रहे हैं। आप बंगाल में घटना घटी, वहाँ की प्रशासन ने सब कुछ को नोट किया, केस फाइल किया, गाड़ी को पकड़ा, पकड़ करके फाड़ी में रखा हुआ है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पोस्टमार्टम करके जो है शमसुल हक के सबको उनके परिवार के हवाले कर दिया। अब कानूनी प्रक्रिया बिहार और बंगाल पुलिस मिलकर करे, उससे अब इन परिवार को डराने की क्या बात है कि आप फंस जाइएगा, ये कैसी धमकी है? मैं भी जानना चाहता हूँ कि कौन ये धमकी दे रहा है कि बंगाल में घटना हुआ तो बिहार में बोलिएगा तो फंस जाइएगा। ये देश एक है, राज्य कई है, लेकिन देश एक है, और हर देश का कानून एक है। जैसे भी हो, मैं चाहता हूँ कि इस परिवार की मदद की जाए, और जो सरकारी तौर पर मुआवजे का प्रबंधन है बिहार सरकार से, वह इस परिवार के लिए दिया जाएगा, और जब तक नहीं दिया जाएगा इस तरह से उन लोगों का जो है भांडाफोड़ करते रहेंगे हम लोग अपने चैनल के माध्यम से। हम लोग कांग्रेस को हर हमेशा हर एक पल में सपोर्ट करते रहे, लेकिन कांग्रेस एक हम लोगों का लाचार हो चुका है अभी इस किशनगंज जिला के लिए, ऐसा लाचार हो गया है जो सिर्फ वो वोट बटोरना जानता है, ना ही किसी गरीब का विकास हुआ है, ना किसी का विकास होता है, ना किसी का मरनी गिरनी में, एक्सीडेंट में, दुर्घटना में कोई खैरियत भी पूछने नहीं आता है, ना एमपी आता है, ना एमएलए आता है, लेकिन हम इतना तो जरूर रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम इसको थोड़ा सा अपना अलग नज़रिया से वो लोग हट के देखें कि इन लोगों के साथ में क्या बीता है, ये दुख की घड़ी है, इसमें उन लोगों को साथ में खड़ा उतरना चाहिए,
जो कल होकर जो मदद हो वो करनी वो करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मैं एक नौकरी चलिए एक नौकरी की मांग कर रहे हैं और इस परिवार की मदद की मांग रहे हैं। मैं आप लोगों से कहूंगा कि इस बेटियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो जिम्मेदारी पर बैठे हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, सबकी आंखें खुले और इस परिवार के पास आकर के खड़ा हो। है मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप और ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि इस परिवार के पास कोई आकर खड़ा हो जो इन बच्चों का भविष्य है उसमें कुछ हद तक राहत मिले। चकुलिया टाइम्स के लिए खिरदा से मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।